सर अब होटल बहुत अच्छा चल रहा है। मैं क्या बोले सर, 250 सीट थी, 750 लोग आ जाते हैं तो 3 बार टेबल बढ़ जाती है। हालांकि उसने दिखाया था दूर दूर बैठने की व्यवस्था थी, पर भोजन करते वक्त लोग पास भी आते हैं और मांस कटता है तो थोड़ा संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो टेबल का वर्किंग डे पे 3 बार आना शो करता है कि हमारे लोग बाहर ज़्यादा खाने जा रहे हैं। एक दूसरा, चूंकि कॉम्प्लीसेंसी का दूसरा क्या है कि भाई इसका इलाज हो जाएगा। सब लोग जब अप्रैल महीने थी तो लोग अपने बहन ही घर के अंदर बैठे थे, धीरे धीरे स्थितियाँ अच्छी हुई और हम सितंबर अक्टूबर में ऐसी स्थिति में आ गए कि मृत्यु की दर 0.1 से नीचे आ गई। और टचवुड, भगवान हेल्प करे, अभी भी मृत्यु मेरे ख्याल पिछले 7-8 दिन में 2 है। तो उससे और कॉम्प्लीसेंसी बढ़ रही है कि कुछ होना नहीं है। और एक नया ट्रेंड देखने में आया है जो आज भी डॉक्टर भंडारी की रिपोर्टर बिंदु की आई मेरे पास, कि जो मरीज आ रहा है वो ज़्यादा बुरी हालत में आ रहा है। पहले क्या था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाता था, वो खांसी आने से पहले ही हॉस्पिटल दौड़ लेता था कि भैया कोरोना हुआ और कुछ गड़बड़ हो गई। अभी मरीज को ये लग रहा है या व्यक्ति को ये लग रहा है कि इलाज हो जाएगा, अपने घर रहो, एक डॉक्टर से इलाज करा लो और गोली ले लो, ठीक हो जाओ। पर ठीक हो भी रहे ऐसी स्थिति नहीं है, तो हॉस्पिटल थोड़ा लेट आता है। जब लेट आता है तो संक्रमण के कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लंग्स जो अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो 50-70% बुरी हालत में लोग आ रहे हैं। पहले बिना खांसी के लोग आते थे और अब लंग्स को खराब लेके लोग आ रहे हैं।